हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल महा की दुनिया। तो आज हम बनाएंगे 3 types ऑफ होममेड सरलेक, जिसमें है पोहा सरलेक, मखाना सरलेक एंड राइस सरलेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं। सो पोहा सरलेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन ले लिया है, उसमें 1 बाउल पोहा डाल दिया है। पोहा को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक वो क्रिस्प ना हो जाए। याद रखिए, यहाँ पे हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि गोल्डन ब्राउन करेंगे तो ये पोहा जल जाएगा। तो हमें इसे 5 मिनट के लिए ही इसे रोस्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये रोस्ट हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें एक पाउडर के फॉर्म में बनाना है। तो पाउडर बनाने के लिए हमने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें ये सारा क्रिस्पी पोहा ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है और इसका एक पाउडर बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये पाउडर बन गया है। तो अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है एक एयर टाइट कंटेनर में, और इसको मैं यहाँ पर एक स्लिप लगा के इसको रख दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पोहा सरलेक इस पर लिख के लगा दिया, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी रहे। अब हम बनाएंगे मखाना सरलेक। मखाना सरलेक बनाने के लिए हमें 1 बाउल मखाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं गैस ऑन कर दूंगी और यहाँ पे मैं अपना एक पैन रख दूंगी और इसमें इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें रोस्ट करना है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। फिर इसे हम 5 से 6 मिनट के बाद चेक करेंगे कि ये अच्छे से रोस्ट हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से, जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये अच्छे से पाउडर बन जा रहा है। तो इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे गैस ऑफ कर देनी है और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लूँगी। फिर हमें इसे एक पाउडर फॉर्म में ब्लेंड करना है। तो यहाँ मैं सारे मखाना को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये एक अच्छा सा फाइन पाउडर तैयार हो गया है, यानी कि ये हमारा मखाना सरलेक रेडी है। तो अब इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और ये मखाना पाउडर मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारा मखाना ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसे मैं अच्छे से बंद करके और इस पर भी मैं एक स्लिप लगा दूंगी मखाना सरलेक के नाम से, जिसे मुझे ढूंढने में आसानी रहे। तो ये देखिए, मखाना सरलेक रेडी है। अब हम बनाएंगे राइस सरलेक। तो राइस सरलेक बनाने के लिए मैंने 1/2 बाउल राइस ले लिया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, आप कोई भी राइस ले सकते हैं। तो फिर इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश किया है। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे, पैन में ये सारा वॉश किया हुआ राइस उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा राइस डाल दिया है। अब इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। ये टाइम टेकन प्रोसेस है। आप चाहें तो इसे धूप में या फिर पंखे में भी सुखा सकती हैं, उसके बाद ऐसे रोस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने वो प्रोसेस नहीं किया है, डायरेक्ट इसको पैन में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको रोस्ट कर लूँगी जब तक इसका सारा मॉइस्चर निकल ना जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से रोस्ट करती रहूँगी, फिर ये धीरे धीरे अच्छे से इसका पानी सूख जाएगा। यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसे रोस्ट करते हुए। तो इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको चम्मच में ऐसे चावल लेने हैं और उसे नीचे गिराना है। अगर चावल अपने आपके चम्मच में लगे रहते हैं तो इसका मतलब अभी उसका मॉइस्चर रह गया है। तो अभी उसे आप 5 से 6 मिनट और रोस्ट करें। तो यहाँ पर मैं 5-10 मिनट और इसे रोस्ट करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर अब चावल अच्छे से निकल रहा है, यानी कि अभी ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। फिर इसे हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक पाउडर बन गया है। अब इसे हमें एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप इसे 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप स्कूप भी डाल दूँगी और इसमें भी मैं एक स्लिप लगा दूँगी राइस सरलेक के नाम से। ये देखिए, राइस सरलेक रेडी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।